अब इस टाइम कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, यहाँ पे हो रहा है। यार अभी तो बहुत ज्यादा उठ रहा था। हो रहा है कहीं कहाँ ऊपर नीचे, कभी कभी नहीं अभी नीचे महसूस हो रहा है कहीं कहाँ। तेरी वर्जिश किसी ने ऐसे नहीं कराई है, नहीं तेरा हाथ जाम होता तो यहाँ तक कैसे आता बताना जरा। कहाँ दर्द पहले कहाँ था, थोड़ा सा यहाँ बैठ के विश्राम कर। ठीक है और ऊपर उठा, अरे उठ गया, जय शनिदेव बोल, जय शनिदेव बोलते उठा ही। उठा दिया मैंने वहां तक तो उठेगा, जय शनिदेव। हाँ और जहां तक मैंने उठा दिया वहां तक उठेगा, हर हाल में उठेगा। देखिए कितना हाथ उठ गया, तुझे कह रही मेरा लोग है ब्लॉक कर ये है वो है, कितना हाथ उठाया तूने अपने सिर से ऊपर उठा रखा हाथ, पता है तुझे है, पता है ना खुल गया ना हाथ जाम था। 12,000 के इंजेक्शन लगवाए, 40,000 के इंजेक्शन लगवाए, देख लेना अभी कितना दर्द हुआ, कम हुआ ना फिर बोलते जय शनिदेव। भैया के आशीर्वाद के आगे, शहीद धाम के आशीर्वाद, शहीद देव महाराज के आशीर्वाद के आगे 40,000 का 40 करोड़ का इंजेक्शन फेल हो जाता है, क्योंकि जो नकारात्मकता के कारण जो समस्या होती है उसका इलाज सिर्फ शहीद धाम में ही होता है। इसलिए आप लोगों को अगर शरीर में दर्द हो, गठिया का प्रॉब्लम हो और स्पॉन्डलाइटिस का प्रॉब्लम हो, स्किन का कोई भी इन्फेक्शन हो और साथ ही साथ घुटने बदलने के लिए डॉक्टरों ने कह दिया हो, तो आप शनिधाम आएँ, अपनी चेकिंग करवाएं और इन सब समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति पाएं, छुटकारा पाएं, अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं। जय शनिदेव। हाथ पकड़ अपने पापा का, पकड़ पकड़ अपनी तरफ खींचिए, मेरा हाथ टूट गया, तोड़ू ना और है ना, तोड़ू, बैठ आराम से, बैठ 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 जल्दी, आंख में देख मेरी में, आंख में मैं क्या कह रहा हूँ, आंख में नहीं देखेगा मेरी में, आंख में, अरे तो आंख में देखना, कहाँ कहाँ दर्द होता है तुझे, जब आओगे नहीं तो परेशान तो होगे ना, और ये तो एक थोड़ी ना तुम्हारे घर में एक ही है, ठीक इतनी ताकत चीजें भरी पड़ी है, हाँ तुम्हें तो अब तुम्हारे सबसे नजदीक हूँ मैं, होंगे नहीं फिर भी नहीं आ पाती, जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं उनका क्या, गुजरात से आई है तीन, गाड़ी करके लानी पड़ती है, कहाँ रहते हो तुम, अच्छा मैं तो समझा तुम यही डेली रहते हो, 16 सुबह में गाड़ी आवे अपनी गाड़ी खड़ी है, किराए का मकान मेरा कमाने वाला बताओ कैसे, दर्द गायब, अभी बैठ के बोल रहे थे दर्द है, दर्द गायब हो गया, कई दिन से हिला जुला रहा है, जाप करा तुम भैया बैठे हम लोग, जय शनिदेव माता जी, तुम चेक कर दे एक दो को, जय शनिदेव। दर्द कहाँ से, वैसे टांगों में है, पीठ में बहुत ज्यादा, इधर घूमते हैं इधर घूमते हैं।
एंडोस्कोपी भी करवाई है अंदर जख्म है छाती में। जख्म दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी। फिर मेरा जख्म दिखाई दे रहे हैं ना, जब आप बार बार चेक कराते हैं कुछ मिलता नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना, दवाई खाते हैं। आप इधर यहाँ पे आने के बाद ही जख्म नजर आए हैं और दवाई भी लगेगी तभी। पहले तो प्रेत बाधा ही निकलेगी ना, तो वो दवाई लगनी चालू हो जाएगी। इसलिए तो कहते हैं ना कि प्रेत जो है वो कड़वा खाता है, तो दवाइयों को खा जाता है वो जब तक रहता है। जब उसका मुंह बंद हो जाता है, दवाइयां खानी बंद, दवाइयां लगनी शुरू। अब ये बात डॉक्टर कैसे बताएगा? डॉक्टर को तो पता ही नहीं है, वो तो प्रेत ही नहीं मानता, वो तो पितृदोष मानता ही नहीं है आदमी का, ठीक है ना। उसको तो अपने से मतलब है, उसको संसार से मतलब थोड़े ना। उसको एक पर्ची लिखनी है, उस पर्ची का उसको पैसा मिलता है। मनु भैया को कोई पर्ची नहीं लिखनी है, ठीक है। मनु भैया को इस तरह कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। उसने मेहनत करनी है और मेहनत करके उसने राहत दिला दी। एक दिन में मैं जितने पेशेंट देखता हूँ, डॉक्टर देख लेगा तो बादल हो जाएगा। 50 डॉक्टर हॉस्पिटलों के डॉक्टर इतने पेशेंट देखते हैं एक आदमी के साथ। तू देख रहा है खुद, तीन तीन आदमी आ रहे हैं, सब पे काम कर रहा हूँ। कितना नंबर है तेरी मम्मी का? 258। कभी डॉक्टर ने देखे हैं, चेक करें, लगातार हाथ चले हैं। मैंने एक मिनट का पल का सांस नहीं लिया। और मैं कै बजे बैठा हूँ पता है तेरे को? 11 बजे। हाँ, फिर और क्या बज गया? 7:30। किसी डॉक्टर की हिम्मत है इतना काम करने की? दुनिया में कोई वैसे ही नहीं करता इतना काम जितना मैं करता हूँ, लगातार निरंतर बिना कोई छुट्टी किए सेवा। फिर डॉक्टर को घूमने जाना, उसने एक बार लोगों से पैसे लेने, अपने घूमने जाना है। विदेशों में डॉक्टर घूमता है, मानो भैया का पासपोर्ट ही नहीं आज तक, टाइम ही नहीं मिलता। घूमेगा तो जब फिर यहाँ वैसे ही चिंता रहती है। देखो ऐसे में भी लोग हमारे साथ छल कर जाते हैं, आगे ना हम सोचते हैं जितने लोगों का काम हो जाए उसमें भी छल कर जाते हैं। चलो माता, बुद्धि का कोई भी कण काम नहीं करेगा।